पड़ी। मुझे कई लोगों ने पूछा अजमेर शरीफ हो आए, कहीं उनका सरहन शरीफ चलें जुमेरात को, कहीं उनका कलियर शरीफ हो आए, कश्मीर में दरगाह हज़रत बल और बड़ी बड़ी दरगाहें। तो मेरे पारिवारिक दोस्तों ने कई बार मुझे पूछा कि चलें उस्मान भाई, मैं चलो। वो कहना पंजाबी च ना ना फतवे बिच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो जाते हैं उनको बात ही नहीं पता कि होता क्या है जाने के बाद। फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वली था अल्लाह का, अजमेर शरीफ गए फातिहा पढ़ने के लिए, दरवाजे पे चढ़ रहे थे, बहुत मांगने वाले बैठे थे, तो उनको पता लग गया बादशाह आ रहा है मुल्क का। तो चलते चलते जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक फकीर, बड़े चालू भी होते हैं फकीर, उसने औरंगजेब का लिबास पकड़ लिया, कहने लगा बादशाह 20 साल से यहां बैठा हूं, अंधा हूं आंखों से, और मेरा कुछ बना दे। औरंगजेब ने उसे दोनों बाजू पकड़ के खड़ा किया, पूछा अच्छा 20 साल हो गए यहां? फरमाया हाँ जी 20 साल हो गए। उसने सोचा बादशाह को रहम आ गया, अब मुझे कोई जागीर दे देगा, कोई अशरफियों का थैला दे देगा। तब 20 साल हो गए यहाँ कर अजमेर शरीफ में, आंखों से नज़र नहीं आता। अरे हजरत नज़र नहीं आता, खाजा के दरबार पे बैठा हूँ 20 साल हो गए। अपने दो गनमैन बुलाए, सिपाही, फरमाया अंदर जा रहा हूँ, सलाम पेश करके जितनी देर बाद आऊँ अगर तो इसकी आंखों की रोशनी लौट आए तो ठीक है, वरना मुझे वापसी आता देख के इसकी गर्दन उतार दी जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए, वो हमारी तरफ आते पढ़ने वाले तो लोग नहीं थे ना पहले, आजकल तो लोग गए जाके बस एक झाड़ू सिर पे मरवाया और जाते, ये भी नहीं पता पाक हैं नापाक हैं, गुसल किया नहीं किया, नमाज फजर की पढ़ी नहीं पढ़ी, बस गए। जो अल्लाह के वली जब वलियों के पास जाते हैं तो उनकी बात और होती है कुछ। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब गए अंदर, काफ़ी वक्त बाद आए इधर, ये बाहर रो रो के दुआएं कर रहा कि अल्लाह बादशाह आया हुआ है, रोशनी है नहीं आंखों की, 20 साल हो गए खाजा के बाहर बैठे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपने इस वली की तुफैल, या तो आप मुझे आंखों की रोशनी दे दे, नहीं तो ये तो मेरी गर्दन आज मार ही देगा। आप पढ़ें फतावा आलमगीरी को, लिखा है कि औरंगजेब जब बाहर आया, आने से पहले उसके सारे तबक रोशन हो गए, अल्लाह ने दुआ भी सुन ली और उसको नज़र भी आने लगा। है जनाब, औरंगजेब ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा था, कहना जो आते हैं इनकी नीयतें खुद ख़राब होती हैं और इल्ज़ाम अल्लाह और उसके वलियों पर देते हो कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको मसला, लोग कहते हैं देवबंदी वलियों की नहीं मानते, कौन कहता नहीं मानता, मैं मुजद्दिदी हूँ, कादरी हूँ, मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की सातवीं नस्ल में हूँ, हमारा सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया मिर्जा ताहिर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से लेके और मुजद्दिद अल फसानी तक, फिर मुजद्दिद अल फसानी से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तक, और फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक पहुँचता है। सुनो मसला, अगर कोई बंदा किसी वली के मजार पर गया, अगर किसी ने ख्वाजा मईदुद्दीन चिश्ती के मजार की ज़ियारत की है, अगर किसी ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी की मजार पे ऊपर फातिहा पढ़ी है और फातिहा पढ़ने के बाद भी बेनमाजी है, तो पहले वो सिर्फ अल्लाह का मुजरिम था, पहले वो सिर्फ रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब वो क़यामत वाले दिन ख्वाजा अजमेरी का भी मुजरिम होगा। ये नहीं बताया किसी ने? अब ये वहां वली के मजार पर जाने वाला, अरे वो वली ऐसे नहीं बन गए, उन्होंने जिंदगी नशावर कर दी रसूलुल्लाह की इताअत में। अब अगर अजमेर जाने वाला, सरहंद जाने वाला, हजरत बल जाने वाला अपने वली के रोजे पर हो के और उसके आगे फातिहा दुरूद पढ़ के और वहां पर सलातो सलाम पढ़ने के बाद अल्लाह से बेवफाई करता है और फिर उसको मुअज्जिन की अजान नहीं सुनती और फिर उसको रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं रहता, तो पहले सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब क़यामत वाले दिन अल्लाह के वलियों का भी मुजरिम होगा, वो भी साथ में पकड़ के गएंगे, या अल्लाह ये बंदा नहीं छड़ना, इन्हें साढ़े नाल भी धोखा किया। ऐदा ही थोड़ी गड्डी चल दी है, वो अल्लाह दे यार है।
बात बल्ले पड़ गई नहीं, चलो उठाओ गाड़ी सरहंद चले। मैं तो कहता हूँ रोज जाइए, लेकिन करीना बदल के आइए जिंदगी का। इसलिए अपने दिल के अंदर इस बात को ठान लें कि हमने रसूलुल्लाह की इताअत करनी है, वलियों का एहतराम उनकी बातों को मान कर होता है। यही तो बैतुल्लाह की अजमत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि देख लो आप 20 दफा अजमेर जाते हो, जैसे जाते हो वैसे ही आते हो, रास्ते में गाने सुनते गए गाने सुनते ही आते हो, हाजी को देखो हज करने के लिए निकलता है लोगों से माफिया मांगता हुआ जाता है। अल्लाह के घर का मुकाबला कायनात की कोई इमारत नहीं कर सकती, कोई इमारत नहीं कर सकती अल्लाह के घर का मुकाबला कायनात की। अल्लाह के घर की तरफ जब बंदा जाता है माफिया मांगता जाता है, और जब आता है तो वापस गर्दन का सरिया निकाल के आता है, फिर सारी जिंदगी लोगों के साथ मोहब्बत ही बांटता गुजार देता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।